सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मेरा नाम है आरुण, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सम कूल स्टफ, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की एक और वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही जरूरी चीज। तो आप लोग भी अगर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में सर्वाइवल मोड में खेलते हैं तो आप लोगों ने जरूरी बहुत बार एक प्रॉब्लम आई होगी आप लोगों के सामने, और वो प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो वर्ल्ड है सर्वाइवल वाला, वो ऑटोमेटिकली मतलब गलती से हमारे क्रिएटिव मोड में सिलेक्ट हो जाता है और हमारी सारी अचीवमेंट्स ऑफ हो जाती हैं। तो आपको सारी मेहनत आपकी चूर चूर हो जाती है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, तो मेरे को अपना वर्ल्ड पूरा फिर से खेलना पड़ा करना पड़ा। बट आप लोगों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए क्या चुका हूँ एक नई एकदम बेहतरीन ट्रिक, जिससे आप अपनी अचीवमेंट्स को फिर से ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये जो अचीवमेंट्स है वो आप कि तब ऑन नहीं होंगी जब आप क्रिएटिव मोड में होंगे, ये तब ऑन होगी जब आप क्रिएटिव को दोबारा सर्वाइवल में कर लेंगे और फिर आप मेरी वाली ट्रिक अपनाएंगे तो आपकी अचीवमेंट्स फिर से ऑन हो जाएंगी। तो अगर आप अपने मतलब अगर आपका गलती से ऐसा हो चुका है कि आपका वर्ल्ड जो है वो क्रिएटिव में हो चुका है और आपके अचीवमेंट जा चुके हैं, तो भी आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपना ज़्यादा ही शो ऑफ करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के आगे, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो गाइस, ये सर्वाइवल वर्ल्ड जो आप देख रहे हैं, ये मेरा वो वर्ल्ड है जो कि मैं लाइव स्ट्रीम्स और अपनी वीडियोस के दौरान खेलता हूं। तो ये तो मैं अभी क्रिएटिव में नहीं करने वाला, नहीं तो आप सब लोग बोलेंगे कि मैं भी चीटिंग करता हूं, क्योंकि इस वर्ल्ड को मैं नहीं करना चाहता। बट मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। ये देखो, जब हमारा वर्ल्ड सर्वाइवल में होता है तो ये देखिए उसके ऊपर कोई भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता अचीवमेंट्स वगैरह। ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत पहले हुई थी कि मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड क्रिएटिव में कन्वर्ट हो गया था और फिर मेरे को वो वर्ल्ड डिलीट करना पड़ा था। बट अब मेरे को एक ऐसी टेक्निक पता है जिसकी मदद से मैं इसको दोबारा से सर्वाइवल कर सकता हूँ और अचीवमेंट्स ऑन होंगी। तो चलो सबसे पहले तो गाइस हम एक सेकेंड इसको बैक करेंगे और ये मेरा थोड़ा सा गेम है। तो ये लीजिए, अभी हम क्रिएट न्यू पे जाके क्रिएट न्यू वर्ल्ड में करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी मैं सर्वाइवल वर्ल्ड ही बनाऊंगा इसको, तो देता हूँ रैंडम एक वर्ल्ड जनरेट कर देता हूँ, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने। बस ये वर्ल्ड जनरेट फर्स्ट टाइम। तो अभी सपोज करते हैं कि ये मेरा एक सर्वाइवल वर्ल्ड है जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ बना, या फिर आप सपोज कर सकते हैं कि मैंने बस किसी को बुद्ध बनाने के लिए क्रिएटिव मोड में जाके सब कुछ बनाना है और फिर उसको सर्वाइवल वर्ल्ड की तरह दिखा देना है। तो सबसे पहले तो सपोज करते हैं कि मैं अभी सर्वाइवल खेल रहा हूँ, तो बस मैं अपना रैंडम वर्क कर रहा था और कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करते करते गलती से मैंने क्रिएटिव पे दबा दिया। वैसे तो ये होना चाहिए, बट ये लीजिए और अब मेरी अचीवमेंट्स जो है वो ऑफ हो चुकी होंगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स में, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है अचीवमेंट्स कैन नॉट बी अर्नड इन दिस वर्ल्ड। मतलब अब आपकी अचीवमेंट्स ऑन मतलब ऑन नहीं हो सकती। अब अगर आप सर्वाइवल कर भी लेंगे, यहाँ से चीट्स ऑफ भी कर लेंगे, तो उसके बाद भी ये यहाँ से नहीं जाने वाला और आपकी अचीवमेंट्स काउंट नहीं होंगी। तो इसमें करना क्या है, तो उसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैंने बस ये अपने लोगों को प्रैंक करने के लिए बनाई है वीडियो। तो मैं यहाँ पे चेस्ट खोलूँगा या फिर मैं डायमंड ब्लॉक्स ही रख दूँगा बहुत सारे। मैं पूरा आर्मर पहन लूँगा यहाँ पे, उसके बाद मतलब जो भी मेरे को चाहिए मैं सारे टूल्स ले लूँगा, एवरीथिंग। बस मेरे को बस ये लोगों को दिखाने के लिए बनाना है वर्ल्ड। ओके, तो अब ये मैंने जैसे कि बना लिया, तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये सारा सामान जो है ये यहाँ पे रहने वाला है आपके पास बिल्कुल से। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बस ये ब्लॉक्स यहाँ पे लगा रखे हैं क्रिएटिव में जाके, तो ये सारे यहाँ पे रहने वाले हैं और पहन रखकर मेरी पूरी इन्वेंट्री रहने वाली है। तो चलिए अभी मैं आपको जाना है यहाँ सेटिंग्स में सिंपली, और यहाँ सर्वाइवल मोड सिलेक्ट सेव एंड क्विट कर देना है। और सर्वाइवल मोड के अलावा आपको चीट्स ऑफ करनी थी, कोई बात नहीं, वो हम बाद में कर लेंगे अभी जब ये सेव हो जाएगा वर्ल्ड। और ये बिल्कुल भी गाइस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाई मैंने, बिल्कुल 100% वर्किंग ट्रिक है। अगर ये वर्क नहीं करती है तो आप बेशक डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को। तो ये लीजिए एक्टिवेट चीट्स ऑफ सर्वाइवल। तो अब आपको जो काम करना है वो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे एक सीड लिखा होगा, हर एक वर्ल्ड का अलग अलग सीड होता है। तो यहाँ पे कई कई वर्ल्ड्स में आपको माइनस देखने को मिल सकता है, बट मेरे में माइनस नहीं है, तो मैं सिंपली इसको नोट कर लूँगा 7
वेट अ सेकेंड, 7 6, आप पेन कॉपी लेके कहीं पे भी नोट कर सकते हैं, 4 5 7 1 2 6 3। तो ये है हमारा वर्ल्ड का सीड। इस सीड का मतलब हो सकता है आपके कैरेक्टर्स कम ज़्यादा, मतलब 9 लेटर्स 9 नंबर्स का हो, 10 नंबर्स का हो, जितना मर्जी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी लगा हो सकता है, बट आपको कॉपी कर लेना है, फिर आपको क्रिएट करना है एक न्यू वर्ल्ड। और अभी भी आप देख सकते हैं मैंने इसको सर्वाइवल कर दिया, चीट्स ऑफ कर दिया, फिर भी यहाँ पे अचीवमेंट्स कैन नॉट बी अर्न लिखा आ रहा है। तो अब आपको जाना गाइस, क्रिएट न्यू वर्ल्ड करना है आपने एक बार फिर, मतलब मेरे को फिर से करना है, आप लोगों को नहीं करना। आपको गेम मोड क्रिएटिव नहीं करना है, आपको सर्वाइवल रखना है और चीट्स वगैरह सब कुछ ऑफ रखनी है, लेकिन ये वाले जो ऊपर की सेटिंग्स है वर्ल्ड ऑप्शन, ये आप छेड़ सकते हैं जैसे कि दो कोऑर्डिनेट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपको जाना है यहाँ सीड वाले ऑप्शन में और आपको एक बार फिर लिख देना है वही सेम टू सेम सीड। तो मैं लिख देता हूँ 7 6 4 5 7 1 2 6 3। तो ये सेम टू सेम सीड आ चुका है यहाँ पे, तो आपको सिंपली क्रिएट कर देना है इस सीड के साथ। तो अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि सीड लिखने का मतलब क्या है, तो सीड से कुछ भी नहीं होता, सीड से बस ये होता है कि सीड लिखने से जो आपका वो कॉपी हो जाएगा, मतलब उसके अंदर की जो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा इसका जो मतलब लैंडस्केप होगा कि उसमें कहाँ पे पहाड़ है कहाँ पे पानी है, वो सारा मतलब वर्ल्ड की चीज़ें सेम हो जाएंगी, लेकिन उसके अंदर जो आपने बना रखा है जैसे कि आपने कोई घर बनाया या माइन खोदी है वो कॉपी नहीं होगा। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ सर्वाइवल में आ चुका हूँ और पिछले बार यही स्पॉन हुआ था दूसरे वर्ल्ड में, और ये देखिए सामने ये पूरा सेम टू सेम है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो मैंने, एक सेकंड में आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ, अरे भाई चढ़ जाओ ऊपर, तो मैं साइड से जाके दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे जगह होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसा देखा था मैंने लगाए थे डायमंड के बहुत सारे ब्लॉक्स, अब वो सारे जो हैं वो यहाँ पे जनरेट नहीं होने वाले हैं क्योंकि ये वर्ल्ड सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल वर्ल्ड है, इसके अंदर आपकी कोई भी चीज़ कॉपी नहीं होगी, यहाँ तक कि आर्मर वर्मर, मतलब ये सिर्फ एक सीड है, इससे सिर्फ जो वर्ल्ड का एरिया वो सेम होगा, जैसे कि यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे स्नोफॉल हुई हुई है, मतलब बस ये चीज़ सेम होगी। तो अब आपको जाना है, मतलब इसको भी सेव एंड क्विट कर देना है और इस तरीके से करना ताकि आप पहचान सको कि ये वाला वर्ल्ड उस वाले से अलग है। तो मैं ये ग्रास की फ़ोटो ले लेता हूँ इसके लिए, सेव एंड क्विट, बस ये भी सेव एंड क्विट हो जाएगा। और अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली जाना है अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर, अभी ये देखिए यहाँ पे दो वर्ल्ड आ चुके हैं, तो मैं इनका नाम की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम जो मर्जी रख सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि ये वाला जो वर्ल्ड है हमारा, ये जो हमने नया बनाया, इसका जो भी नाम रखेंगे, जैसे कि अगर हम इसका ये नाम रख देते हैं तो ये वाला जो माय वर्ल्ड है इसका जब हम सारी सेटिंग कर लेंगे तो इसके बाद इसका नाम भी यही हो जाएगा। अरे मैंने ओपन कर दिया, चलिए इसको बैक करते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज ये लीजिए, अब आ गए हैं आप लोग मेरे फ़ोन की होम स्क्रीन के ऊपर। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा काम करना है, आपको ओपन करना है अपने फ़ोन का फाइल मैनेजर। तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं, हर एक फ़ोन में फाइल मैनेजर वैसे तो होता है, बट अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, बड़े ही आसानी से आपको बहुत टाइप के फाइल मैनेजर देखने को मिलेंगे, कोई भी उनमें से कर लीजिए, सारे सेम ही वर्क करते हैं। तो अब आपको सिंपली जाना है गेम्स के फोल्डर के अंदर, इंटरनल स्टोरेज गेम्स, और फिर आपको जाना है कॉम्स डॉट मोजैंग, और उसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, ये वाला। तो अब आपको सिंपली माइनक्राफ्ट वर्ल्ड ओपन करना है, फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास 3 वर्ल्ड्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 2 वर्ल्ड्स दिखेंगे क्योंकि मतलब आपके पास कितने हैं, इसी वजह से मैंने बताया आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो वर्ल्ड का आपने सेव करते समय थंबनेल क्या रखा। तो ये देखिए ये वाला मेरा दूसरे वाला वर्ल्ड है जो मैं खेलता हूँ, और इसमें ग्रास वाला आपको आइकन देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो ये है हमारा नया वाला वर्ल्ड, और ये वाला है आपका पुराना वर्ल्ड जिसमें डायमंड है। तो अब आपको करना क्या है, तो ये वाला जो वर्ल्ड है हमारा ग्रास वाला, इसके अंदर से आपको सिर्फ एक फाइल, ये लेवल डॉट डैट, इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है, और फिर आपको फिर से जाना इंटरनल स्टोरेज गेम्स कॉम डॉट मोजैंग माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, और फिर आपको सिलेक्ट करना अपना वो डायमंड वाला वर्ल्ड, ये वाला। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है, तो आपके पास एक ऐसा टेंशन लेटर सा मतलब नोटिफिकेशन आएगा कि यहाँ पे पहले से ये वाली फाइल लोकेटेड है, तो हम इसको रिप्लेस करें या फिर कैंसिल करें। तो आपको सिंपली इस पर रिप्लेस का बटन दबा देना, मेरे पास ओके का बटन आ रहा है तो मैं ओके का बटन दबा दूंगा। तो यहाँ पे अब ये फाइल रिप्लेस हो चुकी है, तो अब ये मैं यहाँ से डिलीट नहीं कर रहा कुछ भी। अब आपको सिंपली अपने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना यहाँ से, तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ अपने माइनक्राफ्ट की होम स्क्रीन पर। सो गाइस ये लीजिए, अब मेरा माइनक्राफ्ट का एडिशन ऑन हो चुका है, तो अब मैं प्ले का बटन दबाऊंगा, और अब अगर आप ये माय वर्ल्ड वाले में ये वाला बटन दबाते हैं एडिट वाला, तो अब अगर आप इसको खोलेंगे तो ये देखिए इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका माय वर्ल्ड से,
और इसका अचीवमेंट्स भी ऑफ हो चुके हैं। तो अब अगर आप इसमें प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए इसका अचीवमेंट सारे ऑन हो चुके हैं और ये वाला वर्ल्ड अलग है और इन दोनों के नाम अब सेम हो चुके हैं। तो अब आप सिंपलेस्ट वर्ल्ड को डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब अगर आप इसको खेलेंगे तो इसके अंदर जो भी चीज़ें सेव्ड होंगी वो सारी की सारी वापस आ जाएंगी और अचीवमेंट सारी ऑन हो जाएंगी। तो अब अगर देखते हैं हम इसको, अभी बस ये जनरेटिंग वर्ल्ड वगैरह दिखाएगा, ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा और अब बस ये वर्ल्ड जनरेट हो रहा है और बस लिखा आ रहा है जो भी लिखा आता है। अभी बस ये ऑन होने वाला है, किसी टाइम फर्स्ट टाइम ऑन होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। और ये लीजिए हमारा वर्ल्ड हो चुका है स्पॉन। और ये देखिए अब यहाँ पे सारे एनिमल्स और यहाँ पे सारे हमारे डायमंड ब्लॉक्स और ये जो 64 स्टैक्स डायमंड ब्लॉक्स के मेरे इन्वेंट्री में थे वो भी मेरे पास आ चुके हैं। और यहाँ पे सारा आर्मर है और यहाँ पे सारे के सारे हमारी अचीवमेंट्स ऑन हो चुकी हैं। तो ये देखिए अब मैं अपने डायमंड ब्लॉक्स से डायमंड बना सकता हूँ, इन डायमंड ब्लॉक्स को माइन भी कर सकते हैं हम और सारी की सारी अचीवमेंट्स ऑन हो चुकी हैं। ये देखो यहाँ पे जो पहले लिखा आ रहा था यहाँ पे कि अचीवमेंट्स कैन नॉट बी अर्नड वो जा चुका है। और ये वर्ल्ड का नेम वगैरह आप जो मर्जी चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।